हर रोज की तरह मैं सुबह सुबह निकलता हूँ। मेरे पास एक ही बाइक है, यही बाइक मैं हर रोज चलाता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इस बार मैं एक बहुत ही ज्यादा लंबे लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही बाइक पर बैठता हूँ पूरी तरीके से स्पीड में चलाता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे दो दो गाड़ी दिखाई देता है। इस गाड़ी को देखते ही मैं सोचता हूँ काश ये गाड़ी मेरे पास होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस गाड़ी को बहुत देर घूरने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और रास्ते में मुझे दिखाई देता है वही रेड कलर का स्कॉर्पियो। लेकिन ये जिसका गाड़ी होता है वो मुझे बोलता है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे यार, अगर मुझे डर लगता तो मैं तुमसे गाड़ी चलाने के लिए क्यों मांगता, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। इससे हम फालतू बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, जल्दी से चलते हैं अपने सेटिंग के पास और उससे एक अच्छी सी गाड़ी मांगते हैं। जैसे ही मैं इससे गाड़ी मांगता हूँ यह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये मुझसे कहती है, औकात में रहो। ये बात सुनकर मैं पूरी तरीके से उदास हो जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता हूँ, लेकिन हद तो तब होती है जब ये मुझे पीट देती है। गुस्से में मैं सोचता हूँ आज तो गाड़ी खरीद के रहूंगा, लेकिन कुछ देर बाद मैं अपने घर पर ही वापस लौट कर चला आता हूँ। बस हवा निकल गई। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता हूँ और डिप्रेशन में भी होता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ पहले कुछ घंटे सो जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे हम लोग क्या करेंगे। मैं बिना कुछ सोचे सीधा बिस्तर पर चढ़ जाता हूँ और सो जाता हूँ। और बहुत घंटे बीतने के बाद मैं जैसे ही घर के बाहर आता हूँ मैं नजारा देख कर हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर खड़ी होती है लंबोर्गिनी हुराकेन। यह गाड़ी यहाँ किसने रखा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, जहाँ तक मुझे लगता है सेटिंग ने ही यहाँ पर गाड़ी रखा होगा। सही पकड़े हैं। अब मैं सोचता हूँ इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कि यह गाड़ी चलाने में कैसा फील होता है, तो जल्दी से मैं इस गाड़ी में बैठ जाता हूँ और यहाँ से इसे लेकर निकलता हूँ। लेकिन इस गाड़ी को यहाँ से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा और देखता हूँ कितनी देर में यह गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। अभी तक तो नहीं निकला है और ये जंप करा के हमने गाड़ी निकाल दी। जलवा है हमारा। अब हम सीधा चलेंगे बीच पर, क्योंकि मुझे सबसे पहले बीच पर नहाना है, उसके बाद हम लोग नए कपड़े को चेंज करके इस गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राइव करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना है। लेकिन बीच यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, इसीलिए मुझे अपने गाड़ी को बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से चलाना होगा, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा गाड़ी पूरी तरीके से एक्सीडेंट होकर टूट जाएगा। लेकिन हम तो पूरी तरीके से फास्ट ही चलाएंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बहुत देर चलाने के बाद गाड़ी मुझे दिख चुका है बीच का एरिया। अब हम लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, हम लोग वहाँ पर नहाएंगे और अपनी गाड़ी को खड़ी कर देंगे। कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद मुझे वह एरिया दिख चुका है जहाँ पर मुझे नहाना है। जल्दी से मैं गाड़ी लगा देता हूँ और जल्दी से नहा कर यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी तो हमने लगा दिया है, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं सीधा समुद्र में, हम लोग कूद जाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा जगह बना हुआ है जहाँ पर हम लोग आसानी से नहा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं है। सीधा हम लोग इसमें जंप कर जाते हैं, कुछ देर हम लोग ऐसे ही पानी में तैरेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे कपड़ा वगैरह चेंज करके। तो हम लोगों ने नहा लिया है, कपड़ा भी हमने चेंज कर लिया है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में हम लोगों को किसी चीज में टक्कर नहीं मारनी है, क्योंकि हम लोग इस गाड़ी को सुरक्षित अपने घर पे लेके जाएंगे, लेकिन हम लोग गाड़ी को फुल स्पीड चलाएंगे ही चलाएंगे। जैसे ही मैं गाड़ी को मोड़ पे मोड़ता हूँ वैसे सामने दूसरा गाड़ी आ जाता है और एक खतरनाक टक्कर लग जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ यह गाड़ी पूरा का पूरा टूट चुका है, चारों तरफ से यह गाड़ी टूट चुका है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।